दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंकों का नाम। ट्रिक से जानेंगे दोस्तों, क्रम से जानेंगे, मजेदार ट्रिक है। 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके, जिससे 43 लोग मैट हो गए और 65 लोगों ने अल्लाह के नाम पर 81 लोगों का वध कर दिया और 94 लोग जान बचाकर पंजाब भाग गए। इसे आप एक घटना की तरह याद कीजिए दोस्तों, दो तीन बार आप पढ़िएगा तो इसे आप याद हो जाएगा। एक कविता, शायरी या किसी भी तरह से आप इसको तीन चार बार पढ़िए दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1770 में हिंदुस्तान लिखा हुआ है, तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं 6, तो 1700 ईस्वी के बाद 1800 ईस्वी आएगा, तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। अब उसके बाद आगे आप समझ गए होंगे, 1840 में 40 लिखा हो तो 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुआ था दोस्तों। अब उसके बाद आगे देख सकते हैं 43 लिखा हुआ है, तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था दोस्तों। आगे देख सकते हैं अलग अलग कलरों से दर्शाया गया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, समझ में भी अच्छे से आए दोस्तों। उसके बाद 65, तो यहाँ से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे दोस्तों। 1865 में बैंक ऑफ अलाहाबाद की स्थापना हुआ था दोस्तों, अल्लाह के नाम पे 81 लोगों का वध कर दिए, तो 1865 में बैंक ऑफ अलाहाबाद की स्थापना हुआ। उसके बाद 81 देख सकते हैं, तो 1881 में दोस्तों वध से आपको क्या समझ में आता, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ था। अब उसके बाद देख सकते हैं, समझ गए होंगे, 1894 में, 1894 में बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है दोस्तों। इस बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। तो नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था, जो हमारा नेशनल बैंक है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है।